किसको देखेगी छन्नी में, बार बार वो बोल रही थी उसको लग रहा था करवा चौथ था और तीज जो है से वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो बोले कि चलो मैं सुबह जो है जाने से पहले ना तुमको मेहंदी में देके और मैं मेरे हाथ सबका भला करें और शुरुआत मुझसे करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें। और आज है हरिताई का तीज, तो आज मैं आप सभी को, जितने भी माताएं बहने हैं, जितने लोग हैं, सभी को हार्दिक शुभकामना बोलना चाहती हूँ। और भोले बाबा सबकी सुहाग अमर रखें और सबको खूब सारी बुद्धि, खूब सारा धन दौलत दें, खूब बरकत, खूब तरक्की करें सब लोग अपने अपने जीवन में। और सबकी जो है लंबी उम्र की कामना करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और आज तीज है बट हमारे हाथ में मेहंदी नहीं लगा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की गलती की वजह से नहीं लगा है। वो सब सामान कल लाए और मेहंदी ही भूल गए, सब सामान लाए और मेहंदी ही भूल गए वो, तो बोले छुट्टी अभी मैं जाऊँ रात में लेके आऊँ, क्योंकि लेट हो गया उनको। और बारिश बहुत था, वो भी एक रीज़न था, जगह जगह जाके लेट हो गया तो लाने करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैं समझी वो चीज़, बट कोई कोई चीज़ रहता है ना कि उसकी टाइम जो है वो होता है ना कि अगर तीज है तो आज ही लगेगा, कल परसों करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो वाली बात थी। बट मैं बोली, फिर भी मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। उनको खुद से वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो बोले कि चलो मैं सुबह जो है जाने से पहले ना तुमको मेहंदी में देके और मैं मेरे हाथ से लगाऊंगा, तो सुबह जाके वो मेहंदी लेके आए। लेकिन मैं अगर सुबह मेहंदी लगाने बैठूं और लगा के, तो फ्रेंड्स उस वजह से मैं नहीं लगा पाई, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आ गया, वो नीचे एक उन्होंने अपना दूसरा वाला फ़ोन वो भूल गए थे, जो कि वो उसके लिए फ़ोन किए, तो राज अभी लेके गए। मेरे हाथ में मेहंदी नहीं है और आज मेरा तीज उपवास है, बट मैं जा रही हूँ लगाने, क्योंकि अगर मैं लगा के सुबह बैठती, रात में तो आया नहीं मेहंदी, और सुबह मैं बैठती तो मेरा जो काम डेली का रहता है, बच्चों का काम जो जैसे रहता है वैसे ही आज भी था, तो फिर वो सब रह जाता है। इसके वजह से फिर मैं बोली चलो मैं बाद में दोपहर में लगा लूंगी, शाम में लगा लूंगी, बट अभी टाइम तो कुछ 4 बजने जा रहा है, तो मैं बोली चलो एक हो जाएगा, लगा लूंगी। पैर तो हमने कलर कर लिया है बट मेहंदी नहीं लगाया, तो एक लगा लेती हूँ जैसे, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाने नहीं आती है, तो मैं सिर्फ उंगली पे लगाती हूँ और गोल वर लगाती हूँ, तो ऐसे ही कुछ कर लेती हूँ मैं। तो अभी मेरे हस्बैंड गए हैं क्योंकि उनका मीटिंग था, तो उनको थोड़ा सा आज दूसरे जगह जाना था, तो वो गए। मेरी लाडो को सुबह से बहुत टेंशन था कि डैडी आप जा रहे हो तो मम्मी का तीज है, मम्मी पानी कैसे पिएगी, मम्मी किसको देखेगी छन्नी में, बार बार वो बोल रही थी, उसको लग रहा था करवा चौथ था और तीज जो है सेम है, एक ही है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, मम्मी डैडी आप जा रहे हो तो मम्मी किसको देखेगी छन्नी में से, किसको, किसके हाथ से पानी पिएगी, ऐसा फिर वो बोले। वैसे भी जैसे कि तीज के दिन भी, मतलब रात में जब हम लोग चांद देख के पानी पीते हैं तो हस्बैंड के हाथ से ही पानी पीते हैं, बट सब समय अलग अलग होता है, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, परिवर्तन ही जीवन है। तो राज आ गए अपने डैडी को फोन दे के, क्योंकि वो फोन भूल गए थे। कहाँ थे डैडी? हाँ, तो यही है फ्रेंड्स, और टाइम हो रहा है 4:15 और पूजा कर लिया आज मंदिर में, जो हमारे यहाँ मंदिर पशुपतिनाथ जी का है, शिव जी का, वहाँ पे आज महिला लोग का प्रोग्राम है, मीन्स ये तीज के लिए ही रखा है, वहाँ पे आयोजित किया है, बट जाने का मन नहीं है, क्योंकि आज ना उपवास, एक तो बिना खाना पानी का रहता है ना, तो पूरा शरीर वैसे ही हो रहता है, तो जाने दो, मैं वहाँ नहीं जाती। घर पे मैंने जितना भी किया, भगवान जी सबका जो है सुहाग अमर करें, सबके पति को लंबी आयु दें, सब जितने लोग भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो लोग भी हैं, जो लोग, सबका जो है भगवान सबका अच्छा करें, सबका ठीक रखें। और मैं जा रही हूँ, अभी थोड़ा सा मेहंदी लगा लेती हूँ क्योंकि शुभ करना है, तो उस हिसाब। तो फ्रेंड्स अभी हमने लगा लिया, अभी शाम हो गई है, शाम के बज रहे हैं 6:30 और लाडो आई हैं स्कूल से, अभी कर रही हैं नाश्ता और जाएंगी वो स्कूल, सॉरी जाएंगी वो ट्यूशन। और मैंने बहुत कोशिश किया मेहंदी लगाने का, तो मैंने मेहंदी लगाया है बट मुझे नहीं आता है, तो जस्ट मैंने ट्राई किया कि लगाती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिखा है मेरे हस्बैंड का नाम, अभी लाडो बोल रही माँ दिखाओ, तो बहुत लाइट अभी है क्योंकि ओवरनाइट रखने से दूसरे दिन ही अच्छा आता है कलर, हमेशा हम लोग रात में लगाते, जैसे शाम में दोपहर में लगाते, दूसरे दिन जैसे जो भी रहता है प्रोग्राम दूसरे दिन, तो अच्छा कलर आता है,
हो गया जो भी है जैसे भी है, और बट लगा लिया। और अभी राज जब आ जाएंगे, लाडो भी आ जाएंगी स्कूल से, मैं साड़ी चेंज करूंगी, सॉरी ट्यूशन से दोनों लोग आ जाएंगे, साड़ी मैं चेंज कर लूंगी। तो एक दूसरा वाला हाथ अभी नहीं लगा है, इसमें तो मैंने लगा लिया, कलर देखते हैं सुबह तक कैसा आता है। तो दूसरे वाले कलर में राज और लाडो ये दोनों लोग लगाएंगे, जैसे भी लगाएंगे तो लगवाऊंगी। तो फ्रेंड्स बस तीज का जो है आज सब लोग उपवास हैं, तो सबकी सबका सुहाग बना रहे और सबको लंबी उम्र मिले, खूब सारा बरकत मिले, बस यही कामना करती हूँ। और भगवान सबका भला करें और शुरुआत मुझसे करें, तो बहुत बहुत कृपा है भोले बाबा की, बहुत 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 कृपा है भोले बाबा की, क्योंकि तो बस आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो है, और मिलते हैं कल नए वीडियो में। आज तीज के साथ ये वीडियो रोकती हूँ और कल मिलती हूँ गणेश चतुर्थी के पर्व समय पर। कल रहेगा, कल गणपति जी का रहेगा, तो कल मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और पहली बार हमारे चैनल पे अगर आप आए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। और बस मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।